देखो ये प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आएगा और वार्षिक परीक्षा में भी आएगा, एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य की, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो प्रश्न है कहाँ का है, आईएमपी है, कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 10.2 का सवाल नंबर कौन सा है, सवाल नंबर 4 है, मोस्ट आईएमपी है, इसमें आईएमपी लगा लो। सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है, प्रूव करना है, क्या सिद्ध करके लेकर के आना है, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है, वृत्त का व्यास ये होता है वृत्त, और व्यास किसे कहते हैं, वृत्त के केंद्र से जाने वाली वह रेखा जो परिधि तक जाती है उसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम, तो एक वृत्त का व्यास क्या है, पी क्यू है। अब इन पर हमने स्पर्श रेखाएं खींच दी है, वृत्त का व्यास पी क्यू, तो बिंदु पी पर हमने एक क्या खींच दिए, स्पर्श रेखा खींच दिए। स्पर्श रेखा किसको कहते हैं, वृत्त के एक बिंदु से जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। और बिंदु क्यू पर अभी हमने क्या खींच दिए, एक स्पर्श रेखा खींच दिए। तो सवाल यहां पर यह कह रहा है वृत्त के व्यास से जाने वाली स्पर्श रेखाएं परस्पर कैसी होती है, समांतर होती है, मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है, ये सिद्ध करके आपको बताना है। इसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे। यहां पर हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए पी क्यू एक ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, जो पी क्यू है, पी क्यू ओ केंद्र वाले, क्या केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले वृत्त का एक क्या है, व्यास है, वृत्त का क्या है, व्यास है, कौन, पी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त का क्या है, व्यास है व्यास। सवाल में ये लिखा, चित्र को देख करके लिखा हूं मैंने, क्या लिखा हूं, चित्र को देख करके, पी क्यू जो है वो ओ केंद्र वाले वृत्त का क्या है, व्यास है, जिसके सिरों पर, इसके सिरे, व्यास के दो सिरे होते हैं, पहला सिरा क्या है, पी, और दूसरा सिरा क्या है, क्यू, जिसके सिरों पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं ए बी और सी डी है, बिंदु पी पर स्पर्श रेखा कौन सी है, ए बी है, और बिंदु क्यू पर स्पर्श रेखा कौन सी है, सी डी है, कितनी स्पर्श रेखाएं है, दो स्पर्श रेखाएं है, ठीक है। अब प्रमेय क्या कहता है समझो, प्रमेय 10.1 मैंने आपको पढ़ाया हूं, स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली वृत्त की त्रिज्या एक दूसरे पर क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा ए बी और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या कौन सी, ओपी, एक दूसरे पर क्या होती है, लंब, मतलब कितने अंश कोण बनेगा यहां पर, 90 अंश का। ओपी ए बी पर क्या है, लंब है, ओपी ए बी पर क्या है, लंब है लंब, मतलब यहां पर जो कोण बनेगा ओ पी ए, कोण कौन सा, ओ पी ए, ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, कोण ओ पी ए कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। इसको हमने क्या नाम दे दिए, समीकरण, इसको हमने एक नाम दे दिए, दिए कि नहीं दिए, दे दिए इसी प्रकार। ये क्यू क्या है, स्पर्श बिंदु है, इससे जाने वाली स्पर्श रेखा और इससे जाने वाली त्रिज्या एक दूसरे पर क्या होगी, लंब होगी, मतलब ओ क्यू सी डी पर क्या होगी, लंब होगी, कौन, ओ क्यू सी डी पर क्या होगी, लंब होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी होगी लंब, मतलब यहां पर जो कोण बनेगा ओ क्यू सी, ये वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, ओ क्यू सी कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। इसको हमने क्या नाम दे दी, समीकरण 2। अब करना कुछ नहीं है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या कर लेंगे, यहां पर जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ेंगे कैसे, इस तरफ बाले से इस तरफ बाला जुड़ेगा और बराबर के उस तरफ बाले से उस तरफ बाला, बराबर के इस तरफ क्या है, ओ पी बी, क्या है, ओ पी बी, और बराबर किस तरफ क्या है, ओ क्यू सी, क्या है, ओ क्यू सी, और उस तरफ क्या है, 90, इस तरफ क्या है, 90, 90 90 कितना हो गया, 180, 180, क्या हो गया, 180।
क्या हो गया? 180 हो गया, 180। तो देखो, एक वो होता है नियम, एक क्या होता है नियम होता है, रैखिक युग्म के कोण, कौन से कोण? रैखिक युग्म के कोण किसे कहते हैं? रैखिक युग्म के कोण किसे कहा जाता है? अगर त्रिभुज के याला कोण और ये वाला कोण दोनों कोणों का योग कितना हो? 180 अंश। दोनों कोणों का योग कितना हो? 180 अंश हो। कितने अंश हो? 180 अंश हो। देखो, इधर का कोण भी 180 का होगा, इधर का कोण भी कितने का होगा? ओ पी बी। कौन कौन सा? ओ पी बी। इसका मान कितना आया? 90 आया। कितना आया? और इसका मान भी कितना आया? 90। तो ये जेड बना है, ये दोनों कोण कौन से कोण है? एकांतर कोण है। ठीक है, जब दो रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, 9th क्लास में पढ़ाया हूं मैंने, जब दो समान दो रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो जो कोण बनते हैं जेड पर बनने वाले कोण, ऐसा 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 कौन से कोण होते हैं? एकांतर कोण। और इसका मान भी 90, इसका मान भी 90। एकांतर कोण बराबर है, इसका मतलब क्या है? रेखाएं कैसी होती है? समांतर होती है। मतलब ए बी रेखा और सी डी रेखा, कौन कौन सी रेखा? ए बी रेखा और सी डी रेखा दोनों कैसी होगी? समांतर होगी। अतः वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होगी? समांतर होती है। कैसी होती है? समांतर होती है।